जोधपुर के निकटवर्ती गांव सालावास में अवैध कनेक्शन हटाए गए। प्रत्येक घरों में 4 से 6 कनेक्शन अवैध रूप से ले रखे थे। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 72वीं पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हुआ पदाधिकारियों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पाकने मूर्ति पर पुष्पी अर्पित की व पौधारोपण किया। जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा व समग्र जैन समाज द्वारा जाटाबाद स्थित तेरापंथ भवन में जोधपुर के लाडले मुमुक्षु सुरेंद्र कोचर का नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ। नमस्कार महामंत्र व खुशी दोषी द्वारा तुलसी अष्टकम के मंगल संगान से शुरुआत हुई। इस अवसर पर सभा संस्थाओं और पारिवारिक जनों की ओर से महिला मंडल मंत्री पूजा सालेजा, परिषद अध्यक्ष मितेश जैन, सुरेश जीरावला, सभा मंत्री मुकेश चौधरी, नरेश सिंघवी, तरुण संबरिया, गोविंद राजा पुरोहित, श्रवण दुग्गल, मंजू मोहनोत, किशोर कोचर, कानराज मोहनोत, आदेश्वर कोचर ने भावाभिव्यक्ति प्रकट की। महिला मंडल व साधवी वृंद द्वारा सामूहिक गीतिका प्रस्तुत की गई। साधवी चारित्र प्रभा, साधवी किरण यशा, साधवी विद्युत प्रभा ने भी इस अवसर पर अपने भावों की प्रस्तुति देते हुए मुमुक्षु के संयम मार्ग पर बढ़ने की भूरी भूरी प्रशंसा की। मुमुक्षु सुरेंद्र कोचर ने अपने अभिनंदन के बारे में कहा कि यह अभिनंदन मेरी छोटी सी काया का न होकर संयम और वैराग्य का है, ये गुरु कृपा का सुफल है। मारवाड़ टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन द्वारा 9 सूत्र मांगों को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मारवाड़ टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष मानसिंह मेहता ने बताया कि हमारी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो सभी जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री के नाम पर मंगलवार को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उसके बाद दूध भी हमारी सुनवाई नहीं हुई तो जयपुर में धरना देकर महा आंदोलन किया जाएगा। मारवाड़ टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन की मांग है कि 60 वर्ष के बाद प्रोटेक्ट गाइड को पेंशन देने की मांग, ऑफ सीजन में पर्यटक को स्थायी फंड देने की मांग, पर्यटक गाइड की अकाल मृत्यु पर परिवार को 5 लाख रुपए देने की मांग, पर्यटक गाइड व उनके परिवार को निशुल्क इलाज सुविधा की मांग, पर्यटक गाइड विकास बोर्ड गठन करने की मांग, बसा हुआ ट्रेन में पर्यटक गाइड को टिकट में छूट देने की मांग, तुम्हारा जी का झालरा का नाम बदलकर कंवर जी का झालरा किया जाए, पर्यटन अधिकारियों के तबादले की मांग, पर्यटक गाइड से 2 वर्ष में लाइसेंस रिन्यूअल पर लिया जाने वाला शुल्क समाप्त करने की मांग को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से संत निरंकारी सत्संग भवन दिलीप नगर लालसागर जोधपुर में जोनल स्तर पर निरंकारी बाल समागम का आयोजन जयपुर जोन के जोनल इंचार्ज संत सुनील बाली जी की अगुवाई में किया गया। समागम में बच्चों ने नाटकों, गीतों, नृत्य, विचारों, कविताओं, कव्वालियों आदि के माध्यम से प्रेम से मिलकर सेवा, संगत, सुमिरन एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करने का संदेश दिया। समागम का आयोजन हरिमोहन गहलोत जोनल इंचार्ज जोधपुर की मार्गदर्शन में किया गया। इस अवसर पर संत सुनील बाली जी ने बाल समागम को संबोधित करते हुए कहा कि बाल संगत से जुड़कर ही बालक आध्यात्मिकता को सीखता हुआ वयस्क होता है तो वह समाज, परिवार, देश के लिए सच्चा व्यक्ति साबित होता है। इतिहास भी इस बात का गवाह है कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, जैसे भक्त प्रहलाद एवं ध्रुव ने भी बाल अवस्था से ही आध्यात्मिकता को अपनाया। आगे बाली जी ने कहा कि परिवार का माहौल बच्चे के विकास लिए महत्वपूर्ण होता है, अतः जो माता पिता स्वयं संगतों में आकर गुरुमत की शिक्षाओं को अपनाए हुए हैं, उनके जीवन का प्रभाव उनके बच्चों पर अवश्य पड़ता है। इसलिए अभिभावकों को बच्चों के सामने भक्ति से मर्यादित जीवन का उदाहरण पेश करने हेतु प्रेरित किया। भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यूनाइटेड की पोलित ब्यूरो व केंद्रीय कार्य समिति की 3 दिवसीय बैठक शनिवार को सोजती के बाहर स्थित पार्टी के सभागार में शुरू हुई। झंडारोहण की रस्म अदायगी के साथ ही इस 3 दिवसीय बैठक का विधिवत उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कुलदीप सिंह ने किया। राष्ट्रीय महासचिव कुलदीप रानका ने बताया कि आज प्रथम दिन उद्घाटन सत्र के पश्चात बैठक की विधिवत कार्यवाही आरम्भ की गयी। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने राजनीतिक व संगठनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर उपस्थित सदस्यों द्वारा गहनतापूर्वक विचार विमर्श कर सुझावों को सम्मिलित कर रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। एक घरेलू बछड़ा जिसके पेशाब की थैली में पथरी होने से बछड़े को 2 दिन तक पेशाब करने में परेशानी हो रही थी, उसको अचलाराम बेनीवाल ओसियां वालों ने विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय में लेकर आए। गो चिकित्सालय में अनुभवी मेडिकल टीम ने तुरंत ऑपरेशन थिएटर में पथरी का ऑपरेशन किया, जिसके बाद में बछड़े के पेशाब आनी शुरू हो गई। मुख्य चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर
नागेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि इस बछड़े को दो दिन से पेशाब नहीं हो रही थी, जिसका ऑपरेशन किया गया है एवं पूर्ण स्वस्थ होने तक इसका अलग से ध्यान रखा जाएगा। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।